डीजीपी भूपेंद्र यादव ने सभी जिला मुख्यालय पर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP भूपेंद्र यादव ने आज पुलिस कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के साथ ही उनके वेलफेयर को लेकर सभी जिला मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अजमेर में यह वीडियो कॉन्फ्रेंस NIC सभागार में आयोजित हुई, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस में किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर के DIG अनिल टां, अजमेर SP कुंवर राष्ट्रदीप के साथ अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अजमेर SP कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कर्मियों के वेलफेयर को लेकर हर वर्ष समीक्षा की जाती है। अजमेर पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, इसे लेकर भी रिव्यू किया गया और इसमें किस तरह से बेहतर काम हो उसको लेकर चर्चा की गई। देखिए, पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के संबंध में DG साहब के द्वारा ABC ली गई है, जिसमें कि हमारे जिले के कुछ प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ कांस्टेबल से लेकर के CI रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे बिंदु जिनमें कि रोज़मर्रा का हमारा पुलिस जो कर्मी है उसके साथ जो चुनौतियाँ आती हैं या तरह तरह की समस्याएँ उनके रहने को लेकर के या उनके काम करने के दौरान जो परेशानियाँ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उनमें किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किस तरह से हमारे कर्मियों का वेलफेयर हो सकता है, उसके बारे में चर्चा के लिए VC थी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने अजमेर ज़िले में हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। जैसा कि कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाया गया, वो सब इसी प्लान का पार्ट है, ताकि हमारे पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें वो बेसिक चीज़ें जो कि जिसके लिए उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, हम एक ही जगह उपलब्ध करा सकें। इसी तरह पार्क हैं जो हम पार्क डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर खेलने की एक्टिविटीज़ हैं ताकि वो अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सकें। हम योगा अपने यहाँ पर करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस तरह वो सारी चीज़ें जो कि हमारे कर्मियों के जीवन से जुड़ी हैं, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा, और लगातार हमारे पुलिस लाइन में हमारे स्टाफ के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। पुलिसकर्मी लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, फेस पे बढ़ा रहे हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को लेकर लेटर लग चुके हैं। IAS अधिकारी हुए, RS अधिकारी को लेकर अपनी ओर से भी कुछ सहयोग या आगे की बात के बाद देखिए, इस पर पहले ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा सरकार से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के स्तर का बड़ा प्रकरण है, उस पर मेरे स्तर पर ना तो कोई बात कही जानी उचित है और ना ही जिले के स्तर का प्रकरण है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस मुख्यालय लगातार ऐसे सभी प्रश्नों पर सरकार के नोटिस में चीज़ों को लाता है, और उसमें जो भी सरकार के लिए सक्षम होती है, सरकार जो भी करने में उनके लिए उस समय संभावनाएँ होती हैं, उसे वो कर भी रही है। लगातार बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। इसमें जो भी निर्णय है वो PHQ के और सरकार के बीच में जो विचार विमर्श चल रहा है उसके बाद सरकार के स्तर पर किया जाए।